मजा में चल सरस अपने हिंदी में भणीशू आज व्याकरण विराम चिन्ह। बच्चों हम गुजराती में पढ़ चुके हैं कि विराम चिन्ह को क्या होता है, ऐसे हमें हिंदी में पढ़ना है विराम चिन्ह। हम क्या बोलते हैं विराम चिन्ह को, विराम चिन्ह किसको कहते हैं? तो देखिए किसी की भाषा हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, पर उसमें वाक्य को स्पष्ट करने के लिए बीच में अंत में रुकना पड़ता है, तो वो रुकना पड़ता है उस रुकावट संकट देने वाले शब्द को या चिन्ह को क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों हम आज जानेंगे विराम चिन्ह। तो सबसे प्रथम है कि पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को बोलते हैं पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। कहाँ पे आता है? जहाँ पे तो हम वाक्य लिखते हैं ना, वो स्थान पर समाप्त हो जाता है वाक्य, वहाँ पे समाप्त होता है वहाँ पे हमें क्या लिखना है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाता है। जैसे कि मुझे शुद्ध पानी चाहिए, तो वाक्य समाप्त हो चुका है तो उसके पीछे हम क्या लिखेंगे और क्या करेंगे? पूर्ण विराम का चिन्ह। क्या करेंगे? पूर्ण विराम। तो बच्चों अब हम दिखेंगे अल्पविराम। अल्पविराम की क्या होता है? वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर हमें थोड़ी देर रुकना पड़ता है वहाँ पे अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। आप बीच में अंतर कहाँ पे लिखते हो? आप अल्पविराम कहाँ पे लिखते हो? जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना होता है वहाँ पे अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे कि दादाजी हम वहाँ पे रुक गए, क्या लगाएंगे? अल्पविराम। एक बात बताइए, फिर पीछे क्या आता है? जहाँ पे वाक्य समाप्त होता है वहाँ पे क्या आता है? पूर्ण विराम आता है। तो ये हुआ अल्पविराम। अब हम देखेंगे अर्धविराम। बच्चों अर्धविराम को क्या बोलते हैं? जहाँ पे आप वाक्य पढ़ते हैं ना, अल्पविराम से अधिक कैसा होता है? अधिक मात्रा में, और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है वहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ मैंने? अल्प विराम से अधिक और पूर्ण मात्रा से, पूर्ण विराम से कम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग वहाँ पे होता है, वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही सो गया। क्या हुआ? और पूर्ण विराम से कम होता है, तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? अर्धविराम का प्रयोग होता है। चलो अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे आता है? इस विराम का चिन्ह का उपयोग प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे कि आप कोई किसी को प्रश्न पूछते हैं ना, तो उसमें पीछे क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं तुमको पूछती हूँ कोई ना कोई के आकाश में कितने तारे हैं, तो मैंने क्या कहा आपको? प्रश्न पूछा ना, तो हम पीछे क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी के तुम प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों अब हम देखेंगे उद्गार बोधक चिन्ह। बच्चों इसका दूसरा नाम भी है विस्मयादी शोधक चिन्ह। क्या आता है? विस्मयादी बोधक चिन्ह। जब हम बात करते हैं ना, तो बात करते समय प्रशंसा की बात है, हर्ष की बात है, और शोक की बात है, घृणा है, आश्चर्य की बात है आदि हम व्यक्त करने के लिए वाक्य में क्या लिखते? उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों मैं तुमको जैसे बताती हूँ कि वाह क्या चौका मारा, तो कैसा वाक्य था? प्रशंसा का। कैसा था? प्रशंसा का। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे? पीछे उद्गार बोधक चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों अब हम सीखेंगे अवतरण चिन्ह। बच्चों अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक हरा और दूहरा। तो बच्चों एक हरा अवतरण चिन्ह कहाँ पे लगता है? कि कोई प्रयोग है तो इसमें उपनाम होते हैं ना, कोई कवि है तो उसका उपनाम होता है ना, वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एक हरा। और रचना है या कोई पुस्तक है सब में क्या लिखते हैं? हम अवतरण चिन्ह एक हरा लगाते हैं। और दूहरा है वो कहाँ पे लिखता है? किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में अद्भुत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? दोहरा अवतरण चिन्ह। बच्चों तो ये हुआ हमारा विराम चिन्ह। मैंने कहा पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्गार बोधक चिन्ह, अवतरण चिन्ह,
ये हुआ ना विराम चिन्ह। बच्चों अब हमको अभ्यास करने के लिए तुम हमारी आइडियल जो बुक है ना उसमें कहीं कहीं विराम चिन्ह का उपयोग किया होता है ना, प्रश्न में होते हैं, लेकिन आप पाठ्य पुस्तक भी पढ़ते हो उसमें भी बार विराम चिन्ह का उपयोग किया होता है। तुम तो देख ले हो कि कैसे होता है। बाय बाय।